कहावत है, हमारे शरीर के हर अंग हमसे बात करते हैं। दर्द के रूप में वो अपनी ऊपर की हुई ज्यादतियों को बयां करते हैं। जैसे अधिक चलने से पैर दर्द होता है, वहीं अधिक सोचने से सिर। पेट भी अपने ऊपर की हुई ज्यादतियों को भी हमें प्रकट कर देता है, जैसे दर्द के रूप में या आवाज़ के रूप में जब गड़गड़ की आवाज़ होती है। इसके अलावा उछटी नींद भी संकेत है कि पेट में कुछ गड़बड़ है। हम तब भी इग्नोर करते चले जाएं तो ये बेचारा चुपचाप सारी चीज़ें सहन करता रहता है और अपनी दुर्दशा को बताने के लिए धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, ताकि हम उस पर की हुई जातियों की दुर्दशा को देख सकें। इसे बढ़ते हुए पेट को हम तोंद बोलते हैं। प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि कैसे घर पर रहकर ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए आप अपने इस बढ़े हुए तोंद को कम कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वाशने, संभव नेचर क्योर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, कुछ लोगों का मानना है या कुछ लोग कहते हैं कि वो क्लर्क ही क्या जिसकी मेज पे गोंद नहीं, और वो अफसर ही क्या जिसकी थोड़ी बहुत तोंद नहीं। ईश्वर ही बचाए ऐसी सोच वालों से, क्योंकि जो तोंद है वो कोई स्टेटस संबल नहीं है, अमीर होने का कोई निशानी नहीं है। ये तो आपके अपने ऊपर किए हुए अत्याचार का परिणाम है। तो सबसे पहले तो यही है कि जो लोग तोंद कम करना चाहते हैं तो अपने ऊपर अत्याचार को करना बंद करें। जो उल्टा सीधा खाते हैं पीते हैं, एक नेचुरल डाइट में आ जाइए। नेचुरोपैथी के हिसाब से, सर्कैडियन रिदम के हिसाब से अपने जीवन यापन को व्यवस्थित कर लीजिए। और आइए अब देखते हैं वो क्या उपाय हैं जो आपको करने हैं। ये पॉइंट्स हमारे हाथों और पैरों में हैं। सुजोग के हिसाब से हाथों में, और TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन के हिसाब से पैरों में। पहले देखते हैं हाथों वाला पॉइंट। इन साइड यानी कि आगे की तरफ मिडिल फिंगर में अपर जॉइंट, और जॉइंट से स्लाइटली ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल बीचों बीच ही है उंगली के। इस लेफ्ट में इस पॉइंट का नाम है SP4, और राइट हैंड में इसी पॉइंट का नाम है PN4, SP4 और PN4। क्या करना है हमें? हमें लेना होगा टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट और दूसरा पेपर टेप। आप देख लीजिए जिस शहर में है वहाँ मिल जाए, नहीं मिलता तो जो नीचे वेबसाइट की लिंक दी है यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से येलो और दूसरी तरफ से ये वाइट होते हैं। अब देखिए जो स्किन को टच करेगा वो उसका कौन सा कलर होगा। हमें चूंकि सडेशन करना है, सडेशन के लिए जो टोनिफिकेशन सडेशन मैग्नेट का वाइट कलर है ये स्किन को टच करेगा, और जो बाहर से दिखाई देगा लगने के बाद वो येलो कलर। तो जो अभी पॉइंट बताया SP4, इसी के ऊपर इस टोनिफिकेशन सडेशन मैग्नेट को लगा लेना है। दोनों ही हाथों में इसको करना है। अब दूसरा, अब हमें ज़रूरत होगी पैरों के लिए, क्योंकि पावरफुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तोंद है आपकी, समय लगेगा उसको सही होने में, नॉर्मल कंडीशन में आने में, तो उसके लिए पावरफुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत। ये चक्रा मैग्नेट देखिए, एक तरफ से ऐसे और दूसरी तरफ से ये ऐसे होता है। अब इसमें भी हमें सडेशन करना है। सडेशन के लिए देखिए, आप पेपर टेप को क्रॉस का निशान बना लीजिए, या आपके पास बड़ी पेपर टेप हो तो वो भी चलेगा। और देखिए स्किन को जो टच करेगा वो इसका कौन सा कलर होगा। स्किन को जो टच करेगा वो चक्रा मैग्नेट का ये कलर होगा, और लगने के बाद जो बाहर से दिखाई देगा वो ये कलर। आइए आप देखते हैं TCM के अकॉर्डिंग पैरों में SP4 और PN4 की लोकेशन कहाँ पर है। साथियों, बिग टो के नेल के बेस में है SP1, जॉइंट पर है SP2। ये देखिए हल्का सा कर्व, जहाँ कर्व खत्म हो रहा है यहाँ ऊपर है
SP3 और एक ये वाला कर्व, जहाँ पर ये कर्व बीचों बीच इस जगह पर है SP4, यहीं पर हमें उस चक्र मैग्नेट को लगाना है। जो स्किन को देखिए जो टच होगा वो ये वाला कलर, और लगने के बाद ये कलर दिखाई देगा। ये ट्रीटमेंट आपको करना है, ये दोनों ही पैरों में है। इधर है SP4, राइट साइड में इसी का नाम है PN4। ये उपचार आपको कुछ महीनों तक लगातार करना पड़ेगा। जो रात वाले पॉइंट्स हैं चक्रा मैग्नेट वाले, वो तो आप 24 घंटे भी लगाकर रख सकते हैं, पैरों में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाथ वाले केवल रात के समय में 8 घंटा लगाकर रख दीजिए, और नेक्स्ट डे यानी कि 12 घंटे के बाद उन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़कर रख दीजिए। ये पॉइंट्स जुड़कर आपस में चार्ज हो जाएंगे, फिर से तैयार है ट्रीटमेंट के लिए। मैग्नेट्स कभी भी एक्सपायरी नहीं होते हैं। हाँ, आपको एक्स्ट्रा सेट रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो लगे हुए पैरों में, दूसरा वो चार्ज होते रहेंगे। जब ये इनकी बारी आ जाएगी तो वो दूसरे वाले जो चार्जिंग वाले हैं वो लग जाएंगे। तो इस तरीके से अल्टरनेट आप उनको यूज कर सकते हैं, और यही मैग्नेट्स आप महीनों तक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की, जितना आपका पेट बढ़ा हुआ है उस हिसाब से टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। डाइट तो आपको कंट्रोल करनी ही होगी, ये तो फिर कहने की बात है ही नहीं। ये तो आप नेचुरलपैथी के हिसाब से जो नेचुरल चीज़ें हैं, फाइब्रस चीज़ें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, सही समय पर खाएं, सही समय पर सोएं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल है और लीवर ही रेस्पॉन्सिबल है। साथियों, जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। यदि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले समय में हम जब भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आपका भी मन है यदि इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का, तो हम कॉरेस्पोंडेंस के जरिए सिखाते हैं। उसके लिए आप नीचे हमें कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, या जो हमारी मेल आईडी है देखिए नीचे लिंक है, इस पर आप हमसे संपर्क करिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे और आपको सिखा देंगे। आपकी भी इच्छा है यदि आपके किसी टॉपिक पर वीडियो बने, तब भी आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताइएगा कमेंट्स। मुझे एक्चुअली आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, मैं खुद ही कमेंट्स को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।